प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। जेई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी, वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। परीक्षा को लेकर छात्रों की कई मुश्किलें हैं। लॉकडाउन के दौरान कई बच्चे घर चले गए हैं। अब परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी होगी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वाहन नहीं चल रहे। जिन शहरों में परीक्षा होनी है वहां फिलहाल रुकने की दिक्कतें हैं, इसलिए कई राज्य सरकारों ने परीक्षार्थियों के लिए सहूलियतों का ऐलान किया है। झारखंड, उड़ीसा, यूपी और बिहार की सरकारों ने बताया कि वे परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए क्या करने वाले हैं। नीट और जेई मेन परीक्षा में परीक्षार्थियों को सहूलियत देने के लिए उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने उनके लिए फ्री बसों का इंतजाम किया है, ताकि वे बिना किसी मुश्किल के परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाएं। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में 7 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड में छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए राज्य सरकार ने 1 सितंबर से बसों के परिचालन को मंजूरी दी है। वहीं होटल भी खोलने का फैसला किया गया है। होटल संचालकों ने कहा कि वे परीक्षार्थियों के लिए रेट में कटौती करेंगे। ऑटो यूनियन ने भी फैसला किया है कि परीक्षार्थियों को किराए में 5 रुपये की छूट दी जाएगी। कई समाजसेवी संगठनों ने भी आगे आकर छात्रों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही है। झारखंड में परीक्षार्थियों को पास की जरूरत नहीं होगी, उनके एडमिट कार्ड को ही एंट्री पास मान लिया जाएगा। दूसरे राज्य से झारखंड परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं करना होगा। बिहार में भी परीक्षार्थियों को ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए डोरमेट्री हॉल को व्यवस्थित किया जा रहा है। पटना में 22 डोरमेट्री हॉल हैं। यहां कई रेंज के कमरे उपलब्ध हैं। छात्र एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। रेट में भी कटौती की गई है। यूपी सरकार का कहना है कि सूबे में बीएड प्रवेश परीक्षा और लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजन सफलतापूर्वक कराया गया है, कोई मुश्किल नहीं है। राज्य नीट और जेई मेन की परीक्षा आयोजित कराने के लिए तैयार है, कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। छात्रों की सहूलियत का ध्यान रखा जाएगा। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और कई छात्र संगठन लगातार परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार परीक्षा कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि कई राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर से परीक्षा आयोजित करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकारों का प्रयास है कि परीक्षार्थियों को कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसके लिए कई समाजसेवी संगठन सामने आ रहे हैं, ताकि परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाई जा सके। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।